हेलो एवरीवन, वेलकम टू असेंबली। आज हम एक नया काम करने वाले हैं जो है हमारा हेलमेट को मोटो ब्लॉगिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन कैमरा और हेलमेट तो हमारे पास पहले से ही आ गया था। अब आखिरी एक चीज़ की ज़रूरत था जो है ये एंसल की, जो कल हमने खरीद लिया था 10 रुपये में एक नॉर्मली ऐसे जनरल स्टोर से। और कुछ सैंड पेपर चाहिए जो वो हमने जुगाड़ कर लिए ऐसे वैसे करके, आप चाहे तो उसको दुकान से भी खरीद सकते हैं। तो चिन माउंट करने के लिए सबसे पहले ये वाला जो जगह है, ये वाला लाइन के ऊपर पूरा माउंट को आप एडजस्ट करके देख लीजिए। उसके बाद ये सरफेस पूरा प्लेन है तो इसको सैंड पेपर से घिस के थोड़ा रफ सरफेस बनाना पड़ेगा ताकि एमसेल इससे अच्छी तरह से अटैच रहे। मेरे पास सैंड पेपर दो टाइप के हैं, ये थोड़ा रफ है, ये थोड़ा सॉफ्ट है। और इसको इस वाले प्लेन पे घिसना पड़ेगा। और हाँ, इससे दर्द थोड़ा आपको होगा क्योंकि कुछ भी हो हेलमेट तो अपना खुद का ही है, पर क्या करें, करना तो पड़ेगा क्योंकि कैमरा इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये देखिए कैसा हालत हो गया है मेरा हेलमेट का, देखने में भी बुरा लग रहा है और करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ, पर क्या करें, कैमरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी अगला स्टेप में काम आने वाला है एमसेल का। इन दो चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद बन जाएगा अपना एमसेल का वो चीज़ जो इसको चिपकाने में काम आए। तो अभी अच्छी तरह से मिला लिया है दोनों चीज़ों को और कुछ ऐसा बन गया है कलर। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब अगला ये जो रेड कलर का कवर है इसको हटाना पड़ेगा उसके जगह ये एमसेल को लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद ये लगभग कुछ ऐसा शेप में आ रहा है। तो माउंट होने के बाद ये कुछ इस तरह के दिखता है और इसको आप जितना देर तक सूखने के लिए छोड़ सकते हैं उतना ही बेटर है। तो चलिए चलते हैं। अब जब तक हेलमेट सूख रहा है उसके बीच में हमने एक और काम कर लिया है जो है ये वाटरप्रूफ केसिंग है जिसमें माइक लगाने का कोई होल आता नहीं है, तो हमने एक होल की जुगाड़ किया है। ये देखिए यहाँ पर, तो हमने एक सुई को गर्म किया और इसमें होल करते रहे और एक ऐसा शेप आ गया। उसके बाद जो मतलब थोड़ा सा रफ सरफेस था उसको वो सैंड पेपर से घिस घिस के थोड़ा प्लेन करने की कोशिश की, पर अभी तक पूरा हुआ नहीं। तो इसको करने के बाद हम इस पॉइंट से माइक को लगा सकते हैं। माइक या चार्जर जो भी चाहे उसको आप यहाँ से लगा सकते हैं केसिंग के अंदर से भी। नॉर्मली तो एमसील 5-6 घंटे में सूख जाता है, पर हमने करीब इसको 14 घंटे तक छोड़ दिया था सूखने के लिए। और उसके बाद माइक को हमने ये पैडिंग हटाकर इसके अंदर से, रुकिए कोशिश करता हूँ दिखाने को। ये देखिए यहाँ पर तारों को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लिया, माइक यहाँ पर रखा है और जो आउट केबल है वो उसको यहाँ पर रख दिया पॉइंट जैक को। और उसके बाद सेटअप करने के लिए ये कुछ स्क्रू और पॉइंट माउंट इसको एडजस्ट करके फिर कैमरा को लगा दूंगा। तो एडजस्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखता है और फाइनली हेलमेट में माउंट होने के बाद ये कैसा लगेगा चलिए दिखाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।